नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर हिंदी पौराणिक कथाएं में स्वागत है। गरुड़ पुराण के अनुसार पुत्र प्राप्ति के उपाय कौन सी तिथि को गर्भधारण नहीं करना चाहिए? धर्म ग्रंथों में मनुष्य जीवन के चार पुरुषार्थ बताए गए हैं, जिनमें धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष है, इसलिए इन्हें पुरुषार्थ चतुष्टय भी कहते हैं। इनके आधार पर ही इंसान का पूरा जीवन निर्धारित रहता है। शास्त्रों में बताया गया है कि संतान से ही व्यक्ति को मोक्ष प्राप्ति का रास्ता मिलता है और पितरों को आत्मा की शांति भी मिलती है। इसलिए हर व्यक्ति की चाहत होती है कि उसकी संतान हो और वह वंश वृद्धि को आगे बढ़ाए। नमस्कार मित्रों, हमारा एक ही उद्देश्य है, जो हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा हुआ है उसको हर घर में पहुंचाना। इसीलिए हम आपको कहते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गरुड़ पुराण के अनुसार पुत्र प्राप्ति के उपाय कौन सी तिथि को गर्भधारण नहीं करना चाहिए? हर एक दंपति के मन में पुत्र प्राप्ति की चाहना होती है और यह चाहना तब अधिक हो जाती है जब दंपति को पहले से ही संतान के रूप में पुत्री की प्राप्ति हो जाती है। आज के समय में पुत्र और पुत्री को एक समान ही माना जाता है, लेकिन फिर भी कुछ दंपति होते हैं जिन्हें पुत्री के साथ पुत्र की भी मन में चाहना होती है। कई दंपति के भाग्य में पुत्र नहीं लिखा होता है, तो हर समय पुत्री की ही प्राप्ति होती रहती है। ऐसे दंपति के लिए गरुड़ पुराण में कुछ उपाय बताए गए, जो उपाय करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से गरुड़ पुराण के अनुसार पुत्र प्राप्ति के उपाय बताने वाले हैं। इसके अलावा यह भी बताने वाले हैं कि कौन सी तिथि को गर्भधारण नहीं करना चाहिए तथा पुत्र प्राप्ति के लिए गर्भधारण कब करें। तो आइए हम आपको इस बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार पुत्र प्राप्ति के उपाय। जो महिला पुत्र की प्राप्ति चाहती है, उन्हें अपने मासिक धर्म के चार दिन पुरुष को अपना मुंह नहीं दिखाना चाहिए। इन चारों दिन पुरुष को महिला का मुंह नहीं देखना है तथा महिला से दूरी बनाकर रखनी है। जैसे ही यह चार दिन खत्म होते हैं, महिला को कपड़े सहित स्नान करना होता है, जिससे वह मासिक धर्म से छूट जाती है। चार दिन के बाद पुरुष महिला का मुंह देख सकते हैं। चार दिन पूर्ण हो जाने के बाद सात दिन होने पर महिला भगवान की पूजा अर्चना तथा व्रत करने लायक हो जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार दंपति अगर इन सात दिन के भीतर संबंध बनाते हैं, तो संतान बुरे विचार वाली पैदा होती है, इसलिए यह सात दिन संबंध नहीं बनाना चाहिए। इसके पश्चात गरुड़ पुराण के अनुसार सात दिन खत्म होने के बाद आठवें दिन संबंध बनाने से अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होती है। कौन सी तिथि को गर्भधारण नहीं करना चाहिए? हमारे पुराने ग्रंथों के अनुसार श्राद्ध पक्ष, पूर्णिमा, अमावस्या तथा ग्रहण के समय गर्भधारण नहीं करना चाहिए। इसके अलावा महिला को उसके व्रत के दिन भी गर्भधारण नहीं करना चाहिए। जिस दिन व्रत करे उस दिन गर्भधारण करने से बचना चाहिए। व्रत के दिन गर्भधारण करना अशुभ माना जाता है। ऐसे दिन गर्भधारण करने पर संतान बुरे विचार वाली पैदा होते हैं, इसलिए इन दिनों और तिथि को छोड़कर आप किसी भी दिन गर्भधारण कर सकती हैं। पुत्र प्राप्ति के लिए गर्भधारण कब करें? पुत्र प्राप्ति के लिए शुक्ल पक्ष की रात्रि को गर्भधारण करना चाहिए। आप शुक्ल पक्ष की छठी, आठवीं, दसवीं, बारहवीं रात्रि को संबंध बना सकते हैं। इस दौरान आपको बिल्कुल भी खटाई नहीं खानी है। जैसे ही महिला गर्भधारण करती है, उसे बछड़े वाली गाय का दूध पिलाना शुरू करे। यह उपाय करने से अवश्य ही पुत्र प्राप्ति होती है। पुत्र प्राप्ति के लिए कौन सा पेड़ लगाना चाहिए? पुत्र प्राप्ति के लिए आप पीपल का पेड़ लगा सकते हैं।
इसके अलावा आप पीपल के पेड़ पर लाल रंग का धागा बांधकर भी पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह उपाय करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। पुत्र प्राप्ति के लिए कौन सा फल खाना चाहिए? पुत्र प्राप्ति के स्त्री तथा पुरुष दोनों को ही प्रोटीन से भरपूर फल खाना चाहिए। प्रोटीन से भरपूर फल खाने से पुत्र प्राप्ति में मदद मिलती है। मित्रों, वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करना।